हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान का लेखांकन समायोजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर फॉर मोर शेयर्स then the number of shares offered to the public for subscriptions through prospectus by a company. अधि अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब एक कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जितने कंपनी शेयर जो है ऑफर कर रही है पब्लिक को, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास आ रही है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो केस है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का, अधि अभिदान का। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक 2,40,000। तो एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स ऑफर किया है पब्लिक को और पब्लिक से आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं 2,40,000 के लिए। तो कंपनी इशू कर रही है 2 लाख और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 2,40,000 की। तो इसका मतलब जो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन, तो इसमें 40,000 के लिए ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आ गई हैं, क्योंकि हमारे पास शेयर्स 2 लाख हैं जबकि एप्लीकेशन आ गई है 2,40,000 के लिए। तो इस सिचुएशन से हमने कैसे बचना है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अल्टरनेटिव विकल्प। अब क्या क्या विकल्प हैं? The company may treat the excess application received in one or more of the following ways. Company निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से प्राप्त अतिरिक्त आवेदनों का समायोजन कर सकती है। तो first है situation rejection of excess application, अधिक या आवेदन पत्रों को रद्द करना। second है prorata allotment, आनुपातिक आवंटन करना। third है combination, संयुक्त कोई कॉम्बिनेशन बनाना। तो ये तीन जो है अल्टरनेटिव्स हैं, तो हम एक एक करके जो है इनको अब हम समझते हैं। तो फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, अधिक आवेदन पत्रों को रद्द करना। समटाइम्स द एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स आर नॉट अलॉटेड इवन ए सिंगल शेयर। इन सच ए सिचुएशन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सच एप्लीकेंट्स इज रिटर्न टू देम। कभी कभी अंशों के आवेदनों को एक भी शेयर्स आवंटित नहीं किया जाता है, ऐसे में ऐसे आवेदकों से प्राप्त आवेदन राशि उन्हें वापस कर दी जाती है। तो इसको हम समझते हैं, जो आपको मैंने एग्जांपल बताया कि हम पंप कंपनी ने इशू किए हुए 2 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ रही है 2,40,000 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है 40,000 जो एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस आई है, इनको हम क्या कर सकते हैं रिजेक्ट, इनको हम कोई भी शेयर जो है अलॉट नहीं करेंगे। और जो इन्होंने पैसा भेजा हुआ है हमारे को शेयर्स को लेने के लिए एप्लीकेशन के साथ, वो हम इनको वापस कर देंगे। तो एक सिचुएशन ये है। तो इसमें अब क्या एंट्री बनेगी, तो एंट्री बनेगी इसमें शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जो शेयर एप्लीकेशन है, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जितने से हमने फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, जितना मिला है उतने से ही हम क्या कर देंगे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। और शेयर कैपिटल में आएगा एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जितना जो है कंपनी क्या करेगी शेयर्स को अलॉट करेगी, जितने उसने इशू किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेगी एप्लीकेशन से, तो वो आएगा एक्चुअल अमाउंट शेयर कैपिटल में। और जो रिजेक्ट किए हुए हैं उनका पैसा जो है टू बैंक कर दिया जाएगा, अर्थात बैंक जो हमको दे देगा। तो ये एंट्री बनेगी। फिर आप लिखेंगे बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, जो एक्सेस थी वो हमने क्या कर दी रिफंड कर दी। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। सेकंड प्रोराटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन। समटाइम्स द एप्लीकेंट्स आर नॉट अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर एंड डायरेक्टर्स एक्सेप्ट द एप्लीकेशन पार्शली। कभी कभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों की संख्या आवंटित नहीं की जाती है और निदेशक आंशिक रूप से आवेदन स्वीकार करते हैं। इन सच ए सिचुएशन द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड लेसर नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड फॉर। दिस इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों की तुलना में कम संख्या में शेयर आवंटित किए जाते हैं, इसे आनुपातिक आवंटन
कहते हैं। तो देखो ये क्या स्थिति है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है कि जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं भाई जैसे किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना, किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करना, जितने भी जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो वो एक अनुपात निर्धारित करती है, अर्थात जितने शेयर जो हैं उन्होंने मांगे हुए हैं, जितने के लिए अप्लाई किया है उतने तो नहीं लेकिन उतने से कम उनको क्या कर देते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्रोराटा अलॉटमेंट, अर्थात जितने जो हैं के लिए आवेदन किया हुआ है ना, जितने मतलब उन्होंने एप्लीकेशन भेजी हुई है उसकी तुलना में कम संख्या में क्या कर देना, शेयरों को आवंटित करना, इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अब आगे क्या होगा, इन सच ए सिचुएशन द सरप्लस मनी ऑन एप्लीकेशन पार्शली एक्सेप्टेड विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से स्वीकार किए गए आवेदन पर अधिशेष राशि अंश आवंटित खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो इस दशा में क्या होता है कि अब देखो किसी शेयर होल्डर ने जो शेयर्स मांगे थे वो ज़्यादा मांगे थे, उसको कम मिले, ठीक है। तो जब कम मिले तो उसने जो एप्लीकेशन मनी क्या भेज दी थी, थोड़ी ज़्यादा भेज दी थी, तो उस पैसे को जो एक्सेस है उसको फिर अगली कॉल में क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक। जैसे अगली अलॉटमेंट है उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, अगर फिर भी बच जाती है तो फिर कॉल्स में एडजस्ट कर दिया जाता है, फिर भी बच जाती है तो उनको फिर वो वापस कर दिया जाता है। तो जो एक्सेस है उसको अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो नेसेसरी एंट्री क्या बनेगी इस दशा में प्रोराटा अलॉटमेंट में, तो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नेक्स्ट लिखेंगे फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो शेयर एप्लीकेशन में आपको वही बताया कि जो हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था उतना अमाउंट आ जाएगा दूसरी एंट्री में इसमें डेबिट में, और शेयर कैपिटल में आएगा एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जितने जो है शेयर अलॉट हुए हैं और जितना एप्लीकेशन था वो, और जो एक्सेस आ गया है उसको हमने एडजस्ट कर देंगे शेयर्स अलॉटमेंट में। अगर फिर भी हमारे पास बच जाता है अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी इतना एक्सेस आ जाता है कि अलॉटमेंट सारी की सारी जाती है, फिर हम जो है टू शेयर्स कॉल करेंगे, अगर फिर भी बच जाता है तो फिर हम उसको उनको वापस कर देंगे, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस, कि अभी मांगी नहीं आगे से हमने एडजस्ट कर देने, इसको हम कॉल इन एडवांस भी कहते हैं। अब देखते हैं थर्ड कम्बिनेशन संयुक्त, तो क्या क्या कम्बिनेशन जो है बन सकता है। तो फर्स्ट हो सकता है सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, कुछ आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है और शेष आवेदकों को अनुपातिक आवंटन के आधार पर अंशों को आवंटित किया जाता है। तो देखो अब कम्बिनेशन क्या बन गया इसमें, जो हमने फर्स्ट और सेकंड किया उन दोनों का, तो क्या कम्बिनेशन बना कि हमने कुछ एक को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास बचे उनको हमने प्रोराटा कर दिया, अर्थात जिन्होंने जितने मांगे थे उसे हमने कम दे दिया। तो एज एक ये कम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड क्या कम्बिनेशन बन सकता है, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, कुछ आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं और शेष आवेदकों को अनुपातिक आवंटन के आधार पर अंशों को आवंटित किया जाता है। अब ये कम्बिनेशन अलग है, इसमें हम क्या करेंगे कुछ एक को दे देंगे फुल, जैसे जितने जिसने मांगे उसको फुल दे देंगे और बाकी जो बचे उनको हम प्रोराटा कर देंगे, ठीक है। तो एक ये कम्बिनेशन हो सकता है। तो पहला जो कम्बिनेशन हुआ वो हुआ रिजेक्ट का और प्रोराटा का, दूसरे में हो गया फुल अलॉटमेंट का इसके साथ साथ प्रोराटा का। अब तीसरा कम्बिनेशन हमारे पास ये भी बन सकता है, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, सम एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो इसमें तीन नो बन गए ये कि कुछ एक को हम क्या कर देंगे पूरे के पूरे दे देंगे जितने मांगे हुए हैं, कुछ एक को हम टोटली रिजेक्ट कर देंगे और कुछ जो बच गए बाकी उनको हम प्रोराटा कर देंगे। तो एक ऐसा कम्बिनेशन बन सकता है। तो देखो कुछ आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं, कुछ आवेदन रद्द किए जाते हैं और शेष आवेदकों को अनुपातिक आवंटन के आधार पर अंशों का आवंटित किया जाता है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये कंपनी अपने हिसाब से जो है वो बनाती है। अब देखेंगे हम इसमें द नेसेसरी एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो आपको बोला कि जो शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो फर्स्ट एंट्री जो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की, उसमें हमने जितने से क्रेडिट किया होगा उतना हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल में आएगा एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जितना वो बन रहा था एप्लीकेशन का।
और ये जो अलॉटमेंट है यहाँ पर आएगा उनका, जिनका हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी तो उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ, और वो उतना पैसा अलॉटमेंट करके करेंगे हमारे को कम देंगे। और ये जो बैंक है, बैंक में हम लिखेंगे वो जिनको हमने रिजेक्ट किया, जिनको हमने कुछ नहीं दिया तो उनका हमारे को पैसा क्या करना पड़ेगा वापस। और हम लिखेंगे फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। तो ये हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे कम्बिनेशन की। इसके बाद अब जो है हमारे, हम क्या करेंगे इसमें कैटेगराइजेशन करेंगे ऑफ एप्लीकेशन की, आवेदन पत्रों का वर्गीकरण। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। द फॉर्मेट ऑफ इट्स डिटेल इज एज फॉलो। अधि अभिधान की दशा में अंशों के आवंटन से पूर्व आवेदन पत्रों को आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका विवरण का प्रारूप निम्न है। तो आपको मैंने बोला कि जो कैटेगरी है वो हमारे पास फुल की भी हो सकती है, हमारे पास जो है रिजेक्ट की भी हो सकती है, हमारे पास प्रोडक्ट अलॉटमेंट की भी हो सकती है, ठीक है। तो हम जो है एक स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये इस टेबल को आपने बड़े ध्यान से देखना। तो फर्स्ट कॉलम है कैटेगरी का, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितनी कैटेगरी होगी, तीन। जैसे फर्स्ट होगी, हमने ऐसे एग्जांपल में माना फुल, इनको हमने फुल दे दिए, और सेकंड हो गई, इनको हमने क्या कर दिया प्रोराटा कर दिया, और थर्ड होगी, इनको हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। या प्रोराटा भी दो कैटेगरी की भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले शेयर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड कितने किए हुए वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटेड कितने हुए, तो जैसे थर्ड कैटेगरी में हमने रिजेक्ट लिए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल नील आ जाएगा ये, ठीक है। और प्रोटा में भी कितने उन्होंने अप्लाई किए, कितने हमने दिए, फुल में तो जितने आएंगे उतने ही आएंगे। फिर इसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई वो हम लिखेंगे कि ए कैटेगरी की कितनी हुई, बी की कितनी हुई, सी की कितनी हुई। फिर यहाँ देखेंगे एक्चुअल अमाउंट शेयर कैपिटल में कि कितना कितना उनका जाना था, ठीक है। फुल का कितना जाना था, प्रोडक्ट का कितना जाना था, इनका कितना जाना था। इसके बाद जो हमारे पास फिर एक्सेस हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो उनका हम देखेंगे अलॉटमेंट में कितना चला गया या कॉल्स इन एडवांस में कितना चला गया। और यहाँ पर हम वो लिखेंगे जो हम रिफंड करेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे लास्ट में जो हम जो है पैसा क्या करेंगे वापस। तो इस तरीके से जब हम जो है एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस स्टेटमेंट से ही पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसका कितना एडवांस आ गया है, किसको हमने रिजेक्ट किया, किसका हमारे को मनी रिफंड करने के लिए और कितना करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की थ्योरी जान ली ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपकी पूरी की पूरा जो डाउट है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।